जैसे मैं हम अभी लोग एसेंसेस बीमार बहुत प्रभाव सभी भक्तों को भी मेरा साधारण नाम है। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में लाल गोविंद प्रभु उपस्थित है ऑल द वे फ्रॉम यूएसए। ऑल दो प्रभु जी यूएसए में है, लेकिन उनका हृदय तो भारत भूमि में या ब्रज में ही रहता है। एक प्रकार से प्रभु जी वहां रहकर भी लोगों को यहाँ भेजते रहते हैं, उनकी चेतनाओं को, उनकी मानसिकता को और उनके हृदय को। तो आज हमारा परम सौभाग्य है, जैसे हमने ऑलरेडी सभी को सूचित किया था, आज से 3 दिवस तक प्रभु जी एक प्रकार से कहना उचित नहीं है लेकिन मिनी कथा करेंगे 3 दिवसीय कार्तिक महात्म्य के ऊपर, या कार्तिक महिमा अमृत हमारा टाइटल है। तो प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय, वैसे प्रभु जी इस्कॉन के वे भक्त हैं जिनको परिचय की आवश्यकता नहीं है, हमारे शुद्धिकरण के लिए प्रभु जी का संक्षिप्त में परिचय देना चाहेंगे। प्रभु जी पूरे इस्कॉन जगत में अब तक की मैक्सिमम कथाएं प्रभु जी के मुखारविंद से हुई है, भागवत कथाएं सप्त दिवसीय। और मुझे संख्या से अभी याद नहीं है, इसलिए मैं कोई गलती नहीं करना चाहता, लेकिन मैक्सिमम कथाएं प्रभु जी ने की है। और आज हमारे बीच बड़े ही मधुरता से प्रभु जी कथा करने उपस्थित है। परम पूज्य श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज जी के कृपा प्राप्त शिष्यों में से एक है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से प्रभु जी का हम स्वागत करते हुए आज की टॉक या कथा या कार्तिक महिमा अमृत सीरीज का प्रारंभ करते हैं। और प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए, श्रीमान लाल गोविंद प्रभु अभी लगभग 2500 से अधिक भक्त आपको सुनने लालायित है या उपस्थित है। लगभग 1200-1300 लोकेशन से भक्त ज्वाइन किए हैं। तो कहीं कहीं पर परिवार ज्वाइन करते हैं, कहीं कहीं पर पूरे मंदिरों ने ज्वाइन किया है। तो 1200-1300 लोकेशन से, लेकिन लगभग 2400-2500 जितने पार्टिसिपेंट्स हैं। और पिछले 5 वर्ष से अधिक समय से महाराज जी प्रत्येक दिवस ये कॉन्फ्रेंस या जपा सेशंस और फिर जपा टॉक्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें आपका संग सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, थोड़ा नाम जप को विराम दे दीजिए और प्रभु जी के मुखारविंद से कार्तिक महिमा अमृत श्रवण करने हम तत्पर हैं। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णु पादाय। मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु जी कृष्ण क्लियर है। प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज के परम सौभाग्य हम सब प्रतिदिन भगवत नाम हरि नाम जाप और जिसे कांचन मणि योग कहा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव श्री लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के साथ बैठकर
हरि नाम जाप, ये विश्व में अन्य कहीं नहीं देखा जाता कि किसी गुरु का इतना समर्पण कि अपने शिष्यों को एक साथ लेकर इस प्रकार से हरि नाम जाप करना और जीवन को पवित्र करना। जब मेरी प्रथम दृष्टि महाराज श्री के चरणों में गई तो मुझे सीधे भागवत का प्रथम श्लोक याद आया। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्री व्यास मुनि भागवत के प्रथम श्लोक में कहते हैं, जन्मादस्य यतोन्व आदि तरत चारथे शुभेग्य स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि धीमहि। श्री व्यास मुनि बहुवचन में अपने समस्त देश और समस्त काल के समस्त शिष्यों को साथ में लेकर श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। समझे, महाराज श्री को देखकर श्री वेदव्यास मुनि और भागवत जी के प्रथम श्लोक को मैं सार्थक हुआ देख रहा था। सो ज्यादा समय न लेते हुए शीर्षक हमें विषय दिया गया है कार्तिक महात्म्य। परंतु कार्तिक महात्म्य सुनने से पूर्व आज के दिन की जो महिमा है वे अद्भुत है। मैं मेरे मन को बहुत मना रहा था और मना रहा हूँ कि मैं सीधे कार्तिक महिमा में चला जाऊँ, लेकिन नहीं मना पाऊँगा क्योंकि आज आश्विन शुक्ल द्वादशी का यह परम पवित्र दिन है और आज के दिन की बहुत बड़ी महिमा है। लगभग आज के दिन की 6 महिमा है। तो मैं ज़्यादा समय न लेकर पहले आज के दिन की महिमा को समझकर फिर कार्तिक महात्म्य को जितना भी समय होगा हम समझेंगे। सर्वप्रथम आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा के आचार्य मुख्य आचार्य षड गोस्वामियों में से एक श्रीपाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव दिन है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जो श्री तपन मिश्र के पुत्र है, कवि कर्णपुर के अनुसार मैं श्लोक आपके सामने रखूं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वापर लीला में क्या थे? कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में लिखते हैं, रघुनाथाख्य को भट्ट पुरा या राग मंजरी। रघुनाथ भट्ट पुरा माने द्वापर युग में राग मंजरी हुआ करते थे, मतलब द्वापर लीला में भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते थे और उस लीला करते समय राग मंजरी कृष्ण को अनेकों रागों में कीर्तन सुनाती थी, भजन सुनाती थी और राधा और कृष्ण को प्रसन्न करती थी, वे राग मंजरी द्वापर युग की इस कलयुग में रघुनाथ भट्ट के रूप में प्रकट हुई। और अद्भुत जीवन चरित्र जिससे हमारे जीवन में प्रेरणा मिलती है, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का जन्म संवत 1562 में पद्मावती नदी के तट पर रामपुर नाम के गांव में हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु का संग मिला, मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं क्योंकि यहां तो सेकंड का हिसाब है नहीं तो हम जैसे वक्ता को 45 मिनट मंगलाचरण में लगता है। खैर, सो बचपन में ही जब तपन मिश्रा के घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे तो बचपन में ही
महाप्रभु के चरण की सेवा, महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद और विशेष कृपा प्राप्त हुई और उनके हृदय में वैराग्य हो गया। जब रघुनाथ भट्ट 20 साल के हुए तो श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचे, क्योंकि उन दिनों महाप्रभु संन्यास ले चुके थे, जगन्नाथपुरी में थे। रघुनाथ भट्ट 20 साल के जगन्नाथपुरी में पहुंचे और कहा कि महाप्रभु आप मुझे मेरी अपनी शरण में ले लीजिए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अष्ट मास रही प्रभु भट्ट विदाई दिला। 8 महीना रघुनाथ भट्ट को अपने साथ जगन्नाथपुरी में रखा और फिर एक दिन महाप्रभु ने कहा कि रघुनाथ तुम वापस अपने घर पर चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे माता पिता महाभागवत है, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना तुम्हारा धर्म है। लेकिन हाँ, एक बात, शादी मत करना। विशेष महाप्रभु ने उनका भाव स्वभाव मूड देखकर कहा, विवाह ना करी ये बोली निषेध करीला। वृद्ध माता पिता याई करह सेवन, अपने बूढ़े माता पिता की तुम सेवा करो। और फिर जब आगे चलकर अनुकूल वातावरण होगा तुम जगन्नाथपुरी आ जाना और मैं तुम्हारे कंठ में माला बांध दूंगा। रघुनाथ भट्ट अपने घर पर आए, माता पिता की सेवा किए और कुछ समय माता पिता की सेवा करके जब उनका देहांत हो गया, उनका अवसान हो गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। जगन्नाथपुरी में 8 महीने उन्होंने निवास किया, सेवा की और फिर वहां से ब्रज वृंदावन में आ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप रूप गोस्वामी के सानिध्य में रहो और भजन करो। सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ब्रज वृंदावन में, उन दिनों रूप सनातन वृंदावन में थे, सो रूप गोस्वामी के पास आए और रूप गोस्वामी के सानिध्य में भजन करने लगे। उनके विषय में लिखा है, भागवत पढ़ सदा लह कृष्ण नाम, आचिरे करी बेन कृष्ण कृपा भगवान। तुम भागवत पढ़ो, कृष्ण का नाम लो, श्रीपाद रूप गोस्वामी ने उनको आज्ञा दी। आपकी जानकारी के लिए, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने अलग से कोई ग्रंथ नहीं लिखा, परंतु हाँ वे बचपन से ही गाने में बड़े एक्सपर्ट थे, उनका कंठ बड़ा मधुर था। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के श्लोकों को भिन्न भिन्न रागों में, भिन्न भिन्न सुर में गाते थे। अब देखो, संसार में हम लोग देखते हैं कि कौवे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा लेकिन कौवा हमको अच्छा नहीं लगता, और कोयल ने, कोकिल ने हमको कुछ नहीं दिया लेकिन फिर भी हमको अच्छी लगती है, कारण क्या है? कोयल कोकिल हमारी कोई सगे वाली नहीं है, हमारी रिलेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी कोयल अच्छी लगती है और कौवे ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक सिद्धांत है, मधुर बोलने वाला सबको अच्छा लगता है, जो मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, वो दुनिया को जीत लेता है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी उनमें से थे। सो भागवत के सुंदर श्लोकों को अलग अलग भाव में गाते थे और वैष्णवों को, आचार्यों को सुनाते थे। ऐसा कहते हैं कि जयपुर के राजा मान सिंह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से, उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनके इस भजन आदि से बड़े प्रसन्न हुए और रघुनाथ भट्ट को आश्रित हो गए, उनसे दीक्षा ले ली। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की आज्ञा से राजा मान सिंह ने ब्रज वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर बनवाया। राधा गोविंद मंदिर आज हम देखते हैं रंगनाथ मंदिर के सामने वृंदावन में। सो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु से जो जो आज्ञा मिली थी, श्री रूप और सनातन के सानिध्य में रहकर उन्होंने उन सारी आज्ञाओं को निभाया।
दक्षिण भारत के गदाधर भट्ट हम लोग सुनते हैं, सो गदाधर भट्ट इसी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य बने थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को एक सिम एक विरला विरले गोस्वामी कहा जाता है, और संक्षिप्त में इतना ही कि 75 वर्ष तक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इस धराधाम पर रहे, और उन 75 वर्ष के जीवन काल में 45 वर्ष उन्होंने वृंदावन में वास किया, और संवत 1626 वे नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आज के दिन श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने नित्य लीला में चले गए। आज 64 महंतों की जो समाजवाड़ी है वहाँ पर ब्रज वृंदावन में हम रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की समाधि का दर्शन मिलता है, तो आज के दिन की ये महिमा है। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की, सो इस प्रकार से आज के दिन की ये महिमा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का 13वां दिन। आज के दिन की दूसरी महिमा रघुनाथ दास गोस्वामी का 13वां दिन। आज तो बहुत बड़ा दिन है, आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी 13वां दिन है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का दर्शन करना चाहोगे? यह है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, दर्शन भी करते हुए चले हैं। सो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, आइए अब रघुनाथ दास गोस्वामी का भी आज 13वां दिन है। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका में लिखते हैं, कृत श्री राधिका कुंड कुटीर वसति सतु दास श्री रघुनाथस्य पूर्वख्या रस मंजरी। जिन्होंने राधा कुंड का निर्माण करवाया और श्री राधा कुंड का निर्माण करवा के उसी के तट पर उन्होंने भजन किया, वास किया, और जो द्वापर लीला में रस मंजरी हुआ करते थे वो कलयुग में रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में और एक श्लोक और एक बात है कि वे रसमंजरी भी थे, और अमु केचित प्रभाषन्ते श्रीमती रति मंजरीम। कुछ लोग रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहते हैं कि द्वापर युग में वे रति मंजरी थे, या फिर कुछ लोग केचित आहु नाम भेदत, नाम भेद से कुछ लोग रघुनाथ दास गोस्वामी को भानुमती मंजरी भी कहते हैं। तब आपको जो भी रखना है रख लीजिए, या तीनों पकड़ लीजिए, रति मंजरी, रस मंजरी या फिर भानुमती मंजरी, ये तीनों द्वापर में रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म एक बहुत धनी परिवार में हुआ था। ऐसा कहते हैं कि दो भाई थे, हिरण्यदास और गोवर्धन दास, और हिरण्यदास और गोवर्धन दास की 125 वर्ष पूर्व इनकम कितनी थी? ये हर महीने 8 लाख सोना मोहर, 8 लाख सोना मोहर एवरी मंथ कमाते थे। हमको ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, उसमें 5 लाख व्हाइट इनकम थी और 3 लाख थोड़ी अंडर टेबल थी। सारी कथाएं हैं, लेकिन 8 लाख सोना मोहर गोवर्धन दास और हिरण्य दास, और दोनों भाई के बीच में केवल एक बेटा, मतलब इनके कुल को आगे बढ़ाने वाला केवल एक ही लड़का था, और वो था रघुनाथ दास। रघुनाथ दास जिसका जन्म शकाब्द के रूप में देखा जाए तो 1416 में हुआ, और सन के रूप में देखा जाए तो 1464 में श्री रघुनाथ दास का जन्म हुगली जिला में कर्णपुर ग्राम में गोवर्धन दास के पुत्र के रूप में हुआ। सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास बाल्यकाले हेते तिहो विषय ये उदास।
ज्यादा वर्णन तो नहीं, परंतु रघुनाथ दास के विषय में कहा गया कि जब वे छोटे थे, बाल्य अवस्था में थे, तो बचपन से ही विषय भोगों के प्रति उदास थे। जैसे छोटे छोटे बच्चे आजकल तो आईपैड मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, खेलते हैं, खेलने में ही मन होता है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे थे तो खेलने में उनका कोई मन नहीं था, बचपन से ही भगवान में रति मति गति पूर्ण रूप से लगी हुई थी। एक बार हिरण्यकश्यपु ने शंड और अमर को कहा कि ये प्रहलाद विष्णु का नाम क्यों ले रहा है, तुम लोग इसको सिखाते हो? तो इन्होंने कहा, नहीं हमने तो नहीं सिखाया। तो कोई बाहर से आकर इसको सिखाता है? बोले बाहर से भी किसी ने नहीं सिखाया। तो फिर ये विष्णु की भक्ति प्रहलाद को सिखाया कौन? तब शंड और अमर कहते हैं, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने सिखाया न बाहर से किसी ने सिखाया, महाराज आपका बेटा अपनी मां के गर्भ से सीख कर आया है। नैसर्गिकी यह मतिरस्य राजन, हे राजन ये जन्मजात भगवान विष्णु के प्रति इनकी रति मति गति लगी हुई है, इसको कौन डिगा सकता है। ठीक उसी प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही विरक्त थे और भगवान में रति मति गति लगी थी। जब उनको पता चला तो एक बार जैसे तैसे घर को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के पास चले गए। चैतन्य महाप्रभु ने उस छोटे से रघुनाथ दास को मनाया और वापस अपने घर पर भेज दिया। इनके माता पिता ने देखा कि शादी करा देते हैं तो बहुत सुंदर कन्या के साथ विवाह करा दिया, लेकिन विवाह का बंधन भी इसे नहीं बांध पाया। हृदय में इतना वैराग्य था, ऐसा कहते हैं कि कुबेर के समान धन ऐश्वर्य और अप्सराओं के समान इनकी पत्नी, लेकिन रघुनाथ का मन उसमें नहीं लगता था। ऐसा कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी दूसरी बार चैतन्य महाप्रभु से मिले, महाप्रभु कुछ दिन रखे और फिर भेज दिए, तुम वापस जाओ। यहां पर एक सिद्धांत है कि भगवान हमें डायरेक्ट नहीं मिलते, सीधे भगवान को यदि मिलना प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारी क्या औकात, हमारे अंदर ऐसी कौन सी योग्यता कि भगवान हमको सीधे मिले, भगवान गुरु के माध्यम से मिलते। और ऐसा ही हुआ, दो दो बार रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु से मिले, महाप्रभु ने वापस भेज दिया। एक दिन रघुनाथ दास को पता चला कि बाजू में पानीहाटी गांव में राघव पंडित के वहां नित्यानंद प्रभु कुछ भक्तों को लेकर आए हैं, श्री रामदास गदाधर पुरंदर पंडित इन सब को लेकर नित्यानंद प्रभु आए हैं। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास न जाकर गुरु तत्व ऐसे श्री नित्यानंद प्रभु के पास गए हैं। और जैसे तैसे रघुनाथ दास पहुंचे, दूर नित्यानंद प्रभु बैठे थे अपने भक्तों के साथ, गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडेर ऊपरे वसिया छे जेन कोटी सूर्य तले, आपको देखना है वह छवि, इस प्रकार से बैठे थे। एक बहुत सुंदर वृक्ष के नीचे गंगा के तट पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, दूर से ही नित्यानंद प्रभु को प्रणाम, बड़े विनम्र थे, हमारी तरह शो ऑफ करने वाले नहीं थे। सो दूर से ही रघुनाथ दास ने प्रणाम किया और नित्यानंद प्रभु की दृष्टि चली गई और नित्यानंद प्रभु जोर से चिल्लाकर कहते हैं, सुनी प्रभु कहे, सुनी प्रभु कहे चोर दिला दर्शन, उस चोर को यहां पर लेकर आओ, चोर यहां पर लेकर आओ, आई आई तुम्हार करिय दंड दान, आज मैं तुमको दंड दूंगा, नित्यानंद प्रभु कहने लगे। ये वो नित्यानंद प्रभु हैं जगाए और मदाए ने माथा फोड़ दिया लेकिन उसको चोर नहीं कहा, ध्यान सिद्धांत समझिए, जगाए मदाए ने गाली दी, न कहने की बातें कही, माथा फोड़ दिया, खून निकल गया, उनको नित्यानंद प्रभु ने चोर नहीं कहा, लेकिन दूर एक भक्त प्रणाम कर रहा है तो कहते हैं कि उस चोर को यहां लेकर आओ।
भक्ति राज्य का सिद्धांत है भक्तों। एक तो बड़ी मुश्किली से हम लोग साधना करते हैं, जैसे तैसे हम थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं, और यदि हम हमारी सेवा किसी को दे दिए, हमारा चरण किसी को दे दिए, हमारा उच्चिष्ट किसी को दे दिए, जो जो थोड़ी बहुत साधना भक्ति है वो भी चली जाएगी। इसलिए सच्चे भक्त, शुद्ध भक्त कभी भी अपनी सेवा दूसरों को नहीं देते हैं। रामायण में शरभंग ऋषि की कथा आती है। राम जी वनवास में विचरण करते करते शरभंग ऋषि के आश्रम में गए, जीवन भर राम का भजन किया, राम जी ने दर्शन दिया और कहा कि प्रभु आप 5 मिनट यहां खड़े रहिए, मैंने जीवन भर किसी को सेवा नहीं दी और आज मरने की सेवा भी मैं किसी को नहीं दूंगा। आप विचार तो करो भक्तों, हम लोग चाहे जीवन भर सेवा किसी को न दे सके, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हमको जलाने की, हमको उठाने की, चिता पर डालने की सेवा तो कोई करता है। लेकिन शरभंग ऋषि को यह भी मंजूर नहीं था, बोले जीवन भर किसी को सेवा न दी तो अब मरते मरते भी मैं क्यों दूसरों को सेवा दूं। एक ऐसा संत, एक ऐसा साधु जिन्होंने अपनी चिता अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से लकड़े लगाए चिता बनाई और अपने हाथों से चिता पर चढ़ गए, प्रभु को देखते देखते प्राण छोड़ दिए। शुद्ध भक्त कभी अपनी सेवा किसी को नहीं देता, क्योंकि वह सेवा देना वो साधना और भक्ति देने के बराबर होता है। मातंग ऋषि के आश्रम में वो शबरी सेवा करके चली जाती थी, कुछ लोगों को तो आनंद आ रहा था मुफ्त में सेवा हो रही है। मातंग ऋषि ने कहा खोजो ढूंढो उसे, वो हमारी साधना खा रही है, हमारी भक्ति खा रही है। तो भक्ति राज्य में पैसे चुराने वाला चोर नहीं है, गाड़ी बंगला चुराने वाला चोर नहीं है, भक्ति राज्य में जो हमारी सेवा कर लेता है, हमारा चरण छू लेता है, वो चोर है। क्यों? क्योंकि वो हमारी साधना को चुरा लेता है। इस सिद्धांत को स्थापित श्री नित्यानंद प्रभु ने किया, और श्री नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि चोर चोर मैं तुझे दंड दूंगा। दो कारण था, एक तो तूने दूर से प्रणाम किया, दूसरा तू सीधे महाप्रभु के पास गया बिना गुरु के। रघुनाथ दास ने कहा महाराज जो भी दंड है बताइए। बोले आज ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी की तिथि है, तो दधि चिड़ा भक्षण कराओ मोर जन, सुनि रघुनाथ हैल आनंदित मन। नित्यानंद प्रभु ने कहा दही चिड़ा खिलाओ, दही कपूर शक्कर गुड़ एक स्वीट होती है, सो दही चिड़ा खिलाओ। ये तो बड़े बाप के बेटे थे, तो इन्होंने बहुत सुंदर दही चिड़ा बनवाया, खिलवाया, दूध वाला दही वाला, और सबको खिलाया, और वहां पर बहुत सुंदर नृत्य हुआ, कीर्तन हुआ, और उस कीर्तन में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। भक्तों श्री चैतन्य महाप्रभु 4 स्थान पर बिना बुलाए आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। अन्य जगहों पर मूर्ति प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन 4 जगह पर महाप्रभु बिना बुलाए आते हैं। एक शची माता के घर, दूसरा श्रीवास आंगन, तीसरा राघव पंडित के घर, और चौथा नित्यानंद प्रभु के नृत्य में श्री चैतन्य महाप्रभु आए। आप देख सकते हैं है? श्री चैतन्य महाप्रभु आए, दर्शन हुआ, और फिर तो क्या था है? नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तुमी करा इले यही पुलिन भोजन। रघुनाथ तुमने ये बहुत सुंदर भोजन वैष्णवों को कराया, मैं आशीर्वाद देता हूं अचिरे निर्विघ्न पावे चैतन्य चरण। बहुत जल्द निर्विघ्न रूप से तुम्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिली तुरंत श्री चैतन्य महाप्रभु मिल गए, सीधे रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी, कुछ दिन के पश्चात तुरंत जगन्नाथपुरी गए और महाप्रभु का आश्रय मिला। श्रीमद महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा कि इसका ध्यान रखना।
अब रघुनाथ दास, अब उनके पिता तो समझ गए कि ये लड़का तो अब वापस आने वाला नहीं है, तो उन्होंने 400 क्या कहते हैं वो कुकिंग करने वालों को भेजा कि हमारा बेटा चला गया, तो 400 सेवकों को भेजा और ताम जाम सामान सब कुछ भेजा। रघुनाथ दास ने सब वापस लौटा दिया, बोले मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए। तो कैसे भोजन करोगे? बोले मैं भिक्षा करूंगा। सिंह द्वार भिक्षा वृत्ति, सिंह द्वार पर बैठकर मैं भिक्षा मांगूंगा। चैतन्य महाप्रभु हर 2 दिन में पूछते रहते थे कि भाई रघुनाथ दास क्या कर रहा है, भोजन ठीक से कर रहा है? सर्व दामोदर कहते थे कि वो जगन्नाथपुरी में जो सिंह द्वार है वहां सब भिक्षुक सब भिखारी बैठते हैं, तो बाजू में बैठकर एक बार भिक्षा मांग लेता है और खा लेता है। अब आप देखिए भक्तों, हृदय फट जाए ऐसा प्रसंग आचार्यों ने लिखा है। महाप्रभु ने एक दिन स्वरूप दामोदर को कहा कि बताओ क्या हुआ, भोजन कर रहा है? बोले अब तो सिंह द्वार पर भिक्षा मांगना भी बंद कर दिया। तो महाप्रभु के मन में हुआ तो फिर वो भोजन कैसे कर रहा है, जीवन कैसे चल रहा है? एक दिन महाप्रभु रात को छिपकर यह देखने के लिए आए कि रघुनाथ दास कैसे भोजन करता है। आप में से कुछ लोग जगन्नाथपुरी गए होंगे, जगन्नाथपुरी में आनंद बाजार है? आनंद बाजार में सब लोग भक्त लोग भोजन करते हैं। अब भक्त भोजन करने लेने के बाद गौ माता पशु पक्षी कुत्ते वो लोग भोजन करते हैं, और फिर जो भोजन बचता है वो गटर में चला जाता है, वो नाली में चला जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी उस नाली से, जिस भोजन को गाय भी नहीं खाती, गाय भी जिसे छोड़ देती है, वहां से जो अन्न लेकर उसे पानी में धोकर रघुनाथ दास खा लेते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब वहां पर आए और देखा इतने बड़े बाप का बेटा अपना सारा ऐश्वर्य छोड़कर आज इस नाली में से निकला हुआ भोजन कर रहा है, महाप्रभु का हृदय फट गया और रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया। आप दृश्य देख सकते हैं, महाप्रभु ने रघुनाथ दास का हाथ पकड़ लिया। बस रघुनाथ, बस ये क्या कर रहे हो तुम तो भिक्षा मांगने वाले थे, तुम्हें भिक्षा भिक्षा लेनी चाहिए थी। रघुनाथ दास बहुत बड़ी बात कर दी है। हाँ महाप्रभु, मैं यहां सिंह द्वार पर बैठकर भिक्षा मांगता था, लेकिन भिक्षा लेते समय कुछ देर मेरे मन में ऐसे विचार आते थे कि ये भिक्षा दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, ये देगा कि नहीं। जब कोई यजमान, जब कोई आदमी आता था तो मन में ये विचार आता था कि ये देगा कि नहीं। उतने समय के लिए मुझे प्रभु की, भगवान की विस्मृति हो जाती थी। महाप्रभु सिंह द्वार भिक्षा वृत्ति वैश्यार आचार, ये सिंह द्वार पर भिक्षा वृत्ति जो है ना, मुझे वैश्यावृत्ति लगती है। उससे तो अच्छा है इस नाली में से निकला हुआ अन्न खा लूं और मैं मेरा जीवन बिता लूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अकेले अकेले खाएगा, मुझे भी खाना। नहीं नहीं महाप्रभु, ये आपके लिए नहीं है। नहीं, मैं भी खाऊंगा। बहुत मना किया। रघुनाथ दास के हाथों से लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस नाली में से निकला हुआ अन्न खाया। भक्तों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आचार्यों की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारा स्थान मिला है, हम लोग जुड़े हुए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी के विषय में कहते हैं, रघु अनंत गुण सागर के करीबे लेखा, अनंत गुण सागर के करीबे लेखा, रघुनाथेर गुण जैसे पाषाणेर रेखा। जैसे पत्थर में रेखा होती थी, वैसे रघुनाथ दास गोस्वामी की के नियम हुआ करते थे। फिर तो आगे बहुत लंबी कथा है, शंकरानंद जी से लेकर वो शालिग्राम शिला चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी। फिर 16 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे, 1440 से लेकर 1455 तक,
और फिर वे वृंदावन आ गए हैं, और वृंदावन आकर भी महाप्रभु के विरह में सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन रूप और सनातन ने उसे रोका, समझाया। राधा कुंड पर बैठकर भजन करते थे, स्वयं राधा रानी ने कहा कि भाई कुटिया तो बना लो, यहाँ पर हिंसक पशु पक्षी हैं, यहाँ बाघ सिंह भालू पानी पीने आते हैं। ऐसा कहते हैं रघुनाथ दास भजन करते थे, राधा रानी अपना आंचल बिछा देती थी, ये रघुनाथ दास गोस्वामी। और ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, श्री स्तववली, दान केली चिंतामणि, श्री मुक्ता चरित्र, विलाप कुसुमांजलि, राधा कृष्ण अष्टायाम सेवा, इस प्रकार का सुंदर सुंदर ग्रंथ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी हमें प्रदान किए और हम भक्तों का कल्याण किए। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, श्री रघुनाथ दास की। और आज के दिन की महिमा, आश्विन शुक्ल द्वादशी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरोभाव, रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरोभाव, साथ ही साथ आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरोभाव है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा, कभी कभी विचार करते हैं कि चैतन्य चरितामृत ग्रंथ न होता तो क्या होता है? वैसे महाप्रभु के विषय में दो ग्रंथ लिखे जा चुके थे, लोचनदास ठाकुर के द्वारा चैतन्य मंगल और वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा चैतन्य भागवत। चैतन्य भागवत जिनमें महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सैद्धांतिक और भाव से लबालब भरा हुआ यथा नाम तथा गुण चैतन्य चरित अमृत ग्रंथ लिखा। इतनी विनम्रता कि कविराज गोस्वामी ग्रंथ लिख नहीं रहे थे, और महाप्रभु के विषय में लिखने में केवल उन दिनों कविराज गोस्वामी ही समर्थ थे। जिन दिनों कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितामृत लिखने को कहा गया, उस दिन उनकी जो आईब्रो थी ना, ये आंखों के यहां तक आगे आ जाती थी, ऐसे ऐसे आईब्रो को ऊपर करके ऐसे देखते थे, और उन दिनों उनको कहा गया कि आप ग्रंथ लिखो। मन में उहापोह, क्या करूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, क्या करूं। फिर राधा दामोदर मंदिर में भगवान को प्रणाम किए और भगवान के गले से माला सीधे कविराज गोस्वामी के गले में, बोले ये भगवान की आज्ञा और आदेश, और ग्रंथ लिखा। लेकिन विनम्रता देखो, हृदय फट जाए। पूरी शेर कीट हित मोई सी लघीष्ट, ये कविराज गोस्वामी के शब्द है जिन्होंने इतना दिव्य ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ को लिखने वाला क्या कहता है कि पूरी शेर कीट हित मुई सी लघीष्ट, मैं तो एक 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 वो काम का जो कीड़ा होता है उस कीड़े से भी तुच्छ हूं। मोर नाम ले जई, यदि कोई व्यक्ति मेरा नाम भी ले ले, मेरा स्मरण भी करे ना, तो उसे कितना बड़ा पाप लग जाए, और मेरे जैसा पापी ये ग्रंथ लिखने जा रहा है। उस कृष्णदास कविराज गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है, तो हमारे तीन महान आचार्य का आज तिरोभाव दिन है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। तो इस प्रकार से आज के दिन की ये तीन महिमा हुई। आइए अब और एक महिमा है, बता दूं आज के दिन की और एक महिमा है। हमने पुराणों में पढ़ा है कि कृष्ण ने प्रथम चोरी, अब कृष्ण तो माखन चोरी की ब्रज में बहुत बार की है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम माखन की चोरी आश्विन शुक्ल द्वादशी के दिन की थी, और ये चोरी कृष्ण ने अपने ही घर पर की थी महावन गोकुल में, जहाँ 84 खंभे हैं, मणिमय खंभों के बीच में एक मटका पड़ा था, और छोटे से कन्हैया ने सोचा कि दूसरों के घर जाकर चोरी करनी है
तो पहले नेट प्रैक्टिस कर लूं, घर पर ही थोड़ा सा अभ्यास कर लूं। तो गए और उस मटके में से एक लौंदा निकाला, और जैसे ही लेकर खाने गए तो देखा सामने कोई लड़का खड़ा है। अरे रे 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 रे, बड़ा अफसोस करने लगे कि जीवन में पहली बार चोरी कर रहा हूं और पकड़ा गया। लेकिन सोचे कि चलो थोड़ा सा बात करते हैं। कृष्ण उस लड़के के पास गए और कहते हैं कि बोलना मत। वो लड़का भी अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अब वास्तव में कोई लड़का नहीं था, वास्तव में नंद बाबा का वो मणिमय खंबा था, वो कृष्ण का ही रिफ्लेक्शन था, वो कृष्ण की ही छवि थी, और छोटा सा लाला अपनी छवि से बात कर रहा था। और बात करते करते कहते हैं, देख पहली बार चोरी की है, माँ को मत बताना। तो प्रतिबिंब क्या बोलेगा, तो चुपचाप खड़ा था। अच्छा तू बता देगा, एक काम कर, इसमें से आधा माखन रख ले, आधा तू रख ले, आधा मैं, माँ को मत बताना। प्रतिबिंब वैसे ही खड़ा था, बोले आधा नहीं चाहिए, एक काम कर, ये पूरा 100% तेरा, लेकिन माँ को मत बताना। प्रतिबिंब ऐसे ही खड़ा है। जब वो प्रतिबिंब कुछ नहीं बोला तो कृष्ण को आया क्रोध और कहते हैं सारे है? मतलब तुझे आधा भी नहीं चाहिए, पूरा भी नहीं चाहिए, मतलब तुझे माँ को बताना ही है, जा बता दे जाकर माँ को, मैं कोई माँ बाप से नहीं डरता हूं। इस प्रकार से कृष्ण अपनी ही छवि से बात करते थे, और आश्चर्य की बात खिड़की से यशोदा मैया ये सब देखती थी और सुनती थी, और कृष्ण इस प्रकार से नंद और यशोदा को लाड़ लड़ाते थे। तो आज के दिन ये प्रथम बार माखन की चोरी भगवान श्री कृष्ण ने की। आइए, हमारे पास 5 मिनट है तो कार्तिक महात्म्य का श्री गणेश कर दूं। कार्तिक महात्म्य पद्म पुराण, स्कंद पुराण, और विशेष रूप से हमारे सनातन गोस्वामी ने श्री हरि भक्ति विलास में कार्तिक महीने की जबरदस्त महिमा। अब कार्तिक महीने के ऊपर तो 7 दिन की कथा हो सकती है, ये तो महीने भर हम ये सब चल सकता है, इतनी सारी बातें हैं। कार्तिक महिमा स्कंद पुराण का एक श्लोक मैं आपके बीच में रखूं, तो स्कंद पुराण में कहते हैं, मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानाम मधुसूदन तीर्थ नारायणाख्यायम तृतीयम दुर्लभम कलो, तृतीयम दुर्लभम कलो। ये स्कंद पुराण का श्लोक है। कार्तिक महिमा बताते हुए कहते हैं, आप दूसरी लाइन का अंतिम शब्द है कलो, कलो माने कलयुग। तो कलयुग में 3 वस्तु दुर्लभ है, तृतीयम दुर्लभम कलो। कलयुग में 3 वस्तु दुर्लभ है, क्या है? मासा नाम कार्तिक, महीनों में कार्तिक दुर्लभ है, देवों में मधुसूदन भगवान कृष्ण दुर्लभ है, तीर्थों में नारायण तीर्थ दुर्लभ है। तो बहुत सुंदर ये रचना है, जैसे तीर्थों में नारायण तीर्थ दुर्लभ है, देवों में भगवान मधुसूदन दुर्लभ है, वैसे मासा नाम महीनों में कार्तिक महीना दुर्लभ है। आगे कहते हैं कि यत किंचित क्रियते पुण्यम, यदि कोई थोड़ा बहुत भी कार्तिक महीने में पुण्य सुकृति कर लेता है, कैसे? विष्णु उद्दिश्य कार्तिक के, कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को लक्ष्य में रखकर, राधा कृष्ण राधा दामोदर भगवान को लक्ष्य में रखकर यदि कोई थोड़ा पुण्य सत्कर्म करता है तो तद अक्षयम भवेत सर्वम, कार्तिक महीने में किया हुआ वह सत्कर्म अक्षयम भवेत, अक्षय हो जाता है, अक्षय हो जाता है। सत्योक्तम तव नारद, हे नारद मैं बिल्कुल सत्य कहता हूं, इसमें कोई संशय नहीं है, कार्तिक मास में किया हुआ थोड़ा बहुत भी सत्कर्म
अक्षय हो जाता है। तो ऐसा पवित्र है श्री कार्तिक मास। अब क्योंकि आज पहला दिन है तो मैं कार्तिक मास में क्या करना चाहिए, 21 वस्तु है, 21, ठीक है, मैं 21 वस्तु बता दूं कि आप कार्तिक मास में क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, फिर इन 21 वस्तु के ऊपर हम आगे के दो दिन शास्त्रों से कथा सुनेंगे, किसने क्या किया था, किसने क्या किया, क्या हुआ, तो बात की बात है। यदि हम कुछ करना चाहते हो तो एक, कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में जगने का नियम लेना चाहिए, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जगे। दूसरा, कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, हो सके तो पवित्र जल में स्नान करें, और यदि बाथरूम में स्नान करते हैं तो पवित्र जल का स्मरण करें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन सन्निधिम कुरु मंत्र बोलकर स्नान करें। दो, तीसरा, कार्तिक महीने में रोज मंगला आरती करनी चाहिए, मंगला आरती में भगवान का दर्शन करना चाहिए। आजकल तो सुविधा भी है, घर में YouTube आदि में इस्कॉन लाइव देख कर कर सकते हैं। चौथा, कार्तिक मास में ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, संख्या भी अधिक और क्वालिटी भी अधिक, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। पांच, कार्तिक मास में यथा संभव वरिष्ठ भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। आप कहोगे हम तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, हम लोग वरिष्ठ भक्तों के मुख से भागवत सुनते हैं लेकिन अपना काम करते हुए, जॉब करते हुए, लेकिन एटलीस्ट कार्तिक महीने में समय निकाल कर वरिष्ठ भक्तों से केवल एक ही कार्य, भागवत श्रवण। और क्या कर सकते हैं कार्तिक महीने में, शास्त्र को, श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। कार्तिक महीने में श्रीमद् भागवतम पढ़ने का विधान है, स्कंद पुराण में बहुत, ये सब कथाओं में है, श्लोकों में है, मैं आपको संक्षिप्त में कह रहा हूं। कार्तिक महीने में भगवद गीता को पढ़ने का विधान है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा कार्तिक महीने में एटलीस्ट जो कृष्णा बुक है उसका एक अध्याय पढ़ना चाहिए। कार्तिक महीने में शिक्षा अष्टकम का पाठ करना चाहिए या उपदेशामृत पढ़ना चाहिए, यह हुआ। छह, सातवां है, कार्तिक मास में सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, कोई भिन्न संसार का स्मरण नहीं, भगवान का स्मरण। आठवां, कार्तिक मास में तुलसी सेवनम, तुलसी की बड़ी महिमा है, सो कार्तिक मास में तुलसी की सेवा, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और तुलसी देवी के चरणों में मांगना चाहिए, राधा कृष्ण सेव पाओ यही अभिलाषी, और कुछ नहीं, राधा कृष्ण की सेवा मिले। नौ, कार्तिक मास में भगवान के लिए स्वादिष्ट व्यंजन, पकवान, छप्पन भोग आदि बनाना चाहिए। दस, कार्तिक मास में मात्र प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, और भक्ति सिद्धांत महाराज की एक बात याद आती है, कार्तिक मास में बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। ग्यारहवा, कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, हो सके तो व्रत लेना चाहिए, अपने बेड को, बिस्तर को त्याग दे एक महीने के लिए। बारहवा, कार्तिक महीने में हमारे दैनिक जीवन में तपस्या की मात्रा बढ़ानी चाहिए, हो सके तो अपनी मन पसंद जो चीज है, जो भक्ति में बाधा है, वो कार्तिक मास में छोड़ देनी चाहिए। तेरहवा, कार्तिक मास में वैष्णव सेवा करनी चाहिए। चौदहवा, कार्तिक मास में गौ सेवा करनी चाहिए। पंद्रहवा, कार्तिक मास में भागवत के अनेकों स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जैसे गजेंद्र स्तुति आदि, भागवत में अनेक स्तोत्र है, स्तुति है, कुंती स्तुति, इनका पाठ करना चाहिए। सोलहवा, जैसे हमारे ब्रज वृंदावन में, मायापुर में गोपी गीत का पाठ होता है, सो कार्तिक मास में गोपी गीत का पाठ होना चाहिए, क्योंकि ये रासलीला आदि कार्तिक महीने में हुआ था। सत्रहवा, कार्तिक मास में प्रतिदिन दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए, दामोदर अष्टक जो सत्यव्रत मुनि के द्वारा नारद मुनि और शौनक ऋषि के वार्तालाप में कहा गया है, पद्म पुराण में जिसका उल्लेख है,
सो दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। 18, 18वां कार्तिक मास में दीप दान करना चाहिए, या शुद्ध देसी गाय के घी का या तिल के तेल का दीप दान करें और दामोदर अष्टकम का पाठ करें, और वह दीप दान राधा दामोदर को दिखाना, यशोदा दामोदर को अर्पण करना चाहिए। हो सके तो दिन में 3 बार दीप दान करें, 2 बार करें, कम से कम 1 बार करें, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। दीप दान कैसे करें? तो पहला चरण मतलब फर्स्ट भगवान के चरणों में 4 बार, दूसरा भगवान की नाभि में 2 बार, तीसरा भगवान के मुख में 3 बार, और फिर चौथा चरण भगवान के पूरे शरीर में 7 बार। ओके, हुआ कितना हुआ? 18 हुआ, 18, 19। कार्तिक मास में धाम वास करना चाहिए, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, हो सके जितना प्रयास करना चाहिए धाम वास करें। 20, कार्तिक मास में पवित्र कुंड सरोवर में स्नान करना चाहिए, और 21, कार्तिक मास में उड़द की दाल का वर्जन करना चाहिए। सो इस प्रकार से ये शास्त्रों के अनुसार और श्रील प्रभुपाद जी के कन्वर्सेशन के अनुसार ये ली हुई 21 बातें हैं जो कार्तिक मास में हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम कल कुछ विशेष सुनेंगे। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद, आप सब ने धैर्य के साथ मुझ जैसे बातुल मूर्ख व्यक्ति को सुना, और विशेष धन्यवाद परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की कृपा बचपन से ही मुझ पर है, वे सेवा में लगाते रहते हैं, आज मुझे ये सौभाग्य दिया, और इस पूरी टीम को जो इस कार्यक्रम का आयोजन करती है। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के श्री कार्तिक मास के निताय गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आज के इस सत्र के लिए, और महाराज जी भी पूरा आपका सत्र सुन रहे थे, स्पेशली महाराज अप्रिशिएट किए कि बैकग्राउंड वगैरह बहुत सुंदर है, गुड प्रेजेंटेशन महाराज का है। तो ये आस्क मी पर्सनली टू शेयर इट विथ यू। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारे परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमन लाल गोविंद प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देंगे, कल पुनः गुरुमा जी के साथ सुबह हरि नाम जप और फिर 7:15 से कार्तिक महिमामृत का द्वितीय चरण हम प्रभु जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की प्रभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्री कृष्णदास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरुवृंद की जय, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।